नमस्ते एवरी वन एंड वेलकम बैक इन दिस वीडियो एंड टुडे आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड एंड हैप्पी टू शेयर दिस माय बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन स्टोरी मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन स्टोरी शेयर कर रही हूँ आपसे मैं आज सच में बहुत खुश हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं रहता है और अचानक से हो जाती हैं और जब आप तो हमेशा खुश रहते हो वैन यू आर इन्जॉइंग एवरी मिनट ऑफ योर लाइफ देन यू अट्रैक्ट ऑल द अबंडस जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं रहता है कई बार जोक में कुछ चीज़ें बोल दी जाती मजाक में वो भी सच हो जाती हैं और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक चीज़ है कि आप जो भी देखते हो जो भी सुनते हो और जो भी आप सोचते हो वो सब कुछ अट्रैक्ट करते हो अब वो जिस भी चीज़ के बारे में हो क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फीलिंग क्रिएट करती हैं तो आज मैं आपके साथ ऐसी ही एक बहुत बड़ी बिग सक्सेस स्टोरी मैनिफेस्टेशन स्टोरी शेयर करूँगी जो अनजाने में हुई क्योंकि मैं बहुत सालों से इसको फॉलो नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने सारी साइंस की स्टडी की एमडी किया बिंगा आयुर्वेदिक एक्सपर्ट मुझे एलोपैथ भी पढ़ना पड़ा मैंने इसमें एमडी किया तो बहुत सारे मेरी सारी स्टडी साइंटिफिक या साइंस से रिलेटेड ही रही है बट यस yes, अपकोर्स आयुर्वेद में बहुत कुछ योग है मेडिटेशन है प्राणायाम है तो मैं इन चीज़ों से भी उतनी ही कनेक्ट रही हूँ बट मैं ये सारी टेक्निक्स को फॉलो नहीं करती थी पिछले पाँच महीने से ही मैंने ये टेक्निक्स फॉलो शुरू की जब मेरा पहला बिग मैनिफेस्टेशन हुआ था मेरे घर का वो वीडियो मैंने डाला और ये चैनल भी मैंने इंस्पायर्ड एक्शन के थ्रू खोला और लिटरली इसकी सक्सेस तो रातों रात ही हो रही है वो आप खुद मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं आप खुद ही देख रहे होगे और मेरा एक और हेल्थ चैनल है जिसमें मैं कभी कभी वीडियो डाल देती थी अभी पिछले पाँच महीने से थोड़ा कंटिन्यू हूँ उसमें क्योंकि वाकई में अगर ह्यूमैनिटी को सर्व करना है तो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट अदरवाइज आप को हमेशा उसमें वीडियो डालते रहने चाहिए क्योंकि तभी तो लोग आपसे जुड़ेंगे आपको जानेंगे और आपकी बताई हुई बातों पे विश्वास करेंगे तो वो उसमें मैं सारी हेल्थ टिप्स ही शेयर करती थी बट आ, वो चलिए वो छोड़िए उस मैटर को अभी इस पे आइए कि मेरी मैनिफेस्टेशन स्टोरी क्या है पिछले पाँच या छः महीने से मैं आ, कुछ वीडियोस देखती थी नॉलेज क्योंकि देना है तो लेना भी पड़ता है और मैं शुरू से ही लर्निंग कुछ ना कुछ मेरी हमेशा से चालू रहती ही थी मैंने बहुत सारी ऑडियो बुक्स भी पढ़ी हैं सुनी है तो मैं कुछ वीडियो देख रही थी जिसमें स्विट्ज़रलैंड की डॉक्टर थी वो आ, अभी मैं उनका नाम पता नहीं ले सकती हूँ कि नहीं चैनल पे इसलिए नाम नहीं ले रही हूँ बट उनके वीडियो में मैं हमेशा देखती थी वो डायमंड रिंग पहने रहती थी हमेशा तो इस तरह की डायमंड रिंग जो मैंने अभी भी पहनी है और मैं यही मेरी मैनिफेस्टेशन स्टोरी है कि कैसे ये डायमंड रिंग केवल मेरे लिए नहीं मेरे हस्बैंड के लिए भी हम दोनों के लिए सेम रिंग बन के आई कैसे आई मैं यही स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ तो मैं उनके वीडियो देखती थी वो इसी तरह की डायमंड रिंग पहनी हुई थी अगर मैं शेयर कर सकती थी तो वो फ़ोटो भी शेयर कर देती तो अभी इसका साइज़ सही नहीं हो हुआ है थोड़ा टाइट है इसलिए अभी मैंने इसमें पहन रखी हालांकि इसमें पहनने बोला है एस्ट्रोलॉजिस्ट ने तो मैं यही बताऊंगी आपको तो मैं उनके वीडियो देखती थी तो कई बार मेरे दिमाग में आता था कि इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस कितनी सुंदर अंगूठी है और आ, जेम्स का भी एक अपना रोल होता है ये होनी चाहिए मेरे पास तो ऐसा उस समय एक बार आया फिर एक दो यूट्यूबर्स को और मैं देख रही थी कुछ उनके चैनल्स आ, वो भी डॉक्टर ही थे तो उनके पास भी डायमंड की ये रिंग थी और बार बार वो वीडियो मेरे पास सात दिन तक ही मतलब सात दिन के अंदर दो तीन बार आया तो मैंने उस उस समय कई बार ये सोचा कि इट इज़ वेरी नाइस टू हैव डायमंड ये बहुत अच्छी बात है कि अपने पास अगर डायमंड है और जोसेफ मर्फी ने बोला है कि आपको हमेशा ही ब्यूटी और लग्जरी से घिरा रहना चाहिए सब कुछ अबंडेंस में है तो बोलने में या करने में क्या हर्ज है और मैंने ये दो चार बार थॉट मेरे दिमाग में आई और मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ जैसे मैंने वाकई में पहन रखी है बट ये सिर्फ उसी समय आया सात दिन उसके बाद फिर मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा और फिर अपना काम करती गई और पिछले मेरे ख्याल से एक महीने के करीब मेरे इन लॉज यहाँ आए और एस्ट्रोलॉजिस्ट पे भी विश्वास रखते हैं मेरे हस्बैंड भी रखते हैं ये भी पर बहुत ज़्यादा नहीं जितना हम फॉलो कर सकते जो साइंटिफिक है बस उतना ही बट यस जेम्स आर ये सब चीज़ें तो काम करती ही हैं बट uh, एक लिमिटेशन पे अगर आप क्लियर हो तो ही ये जेम्स और ये काम करेंगे आपकी एनर्जी को एक्सपेंड करने के लिए अगर आप खुद कन्फ्यूजन में हो आपका कोई गोल डिसाइडेड नहीं है आप कुछ करना नहीं चाहते हो तो ये चीजें किस चीज़ को एक्सपेंड करेंगी पहले अपने को क्लियर होना चाहिए आपका कोई उद्देश्य होना चाहिए आप कुछ काम करने जा रहे हो तो ये सब चीज़ें उस काम को बढ़ा देती हैं एक बहुत बड़ा मैटर है मैं बाद में इसमें एस्ट्रोलॉजी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और साइंस ये सब कैसे काम करते हैं इसके बारे में भी जितनी मेरी क्लैरिटी है उसके हिसाब से भी कभी ना कभी एक आध वीडियो बनाऊँगी और आपको क्लियर करूँगी कि ये कैसे काम करते हैं तो मेरे इन लॉज ने वो एस्ट्रोलॉजिस्ट से या मेरे हस्बैंड ने बात की उनका भी अपना करियर या जो भी है वो योगा एक्सपर्ट है वो भी एम डी हैं और फॉरेन भी जा चुके हैं आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से तो हमारे घर में शुरू से बहुत ही अच्छा माहौल रहा योगा मेडिटेशन स्पिरिचुअल फैमिली कह सकते हो आ, तो उन्होंने जाके बात की होगी और मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था तो उन्होंने बोला आपको डायमंड पहनना है और अगर आप दोनों पहनोगे तो बहुत अच्छा होगा तो उनकी बात हो गई और मेरे इन लॉज ने कोई डायमंड मर्चेंट हैं बाहर के हैं फॉरेन के तो उनसे बात भी हो गई और उसकी पूरी कटिंग हो गई और वो बहुत अच्छे से आ भी गया उसकी रिंग बन गई और एक महीने के करीब वो रिंग फ्राइडे मतलब आज के दिन ही पहननी थी तो आज सुबह हमने उसकी पूजा की और फिर पहनी सेम ऐसे ही रिंग मेरे हस्बैंड की भी है उन्होंने पहनी है मैं उसकी पिक्चर इसमें अटैच कर दूंगी ये देखिए हालांकि हम ले सकते थे डायमंड पर कभी हमने प्लान ही नहीं किया उसके लिए कि हमको ये लेना चाहिए या हमारे पास होना चाहिए तो अगर आप किसी चीज़ को सच में सोच लेते हो फील कर लेते हो तो वो अपना रास्ता बना लेती है आपके पास आने का तो यही मेरी स्टोरी है छोटी छोटी तो नहीं कह सकती हूँ मेरे लिए तो ये बड़ी स्टोरी है क्योंकि खुद के पैसे से खुद जा के लेना वो बात अलग है और मैनीफेस्ट होके आना कहीं और से आना आपकी सोची हुई बात वैसे कि वैसे सच हो जाना ये वाकई में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही कर सकता है तो माय डियर फ्रेंड ये एक अच्छी स्टोरी मुझे ऐसी लगी आपके साथ शेयर करना चाहिए और अब मैं सभी डॉट कनेक्ट करती हूँ पीछे के और फिर जो जो हो रहा है मेरी लाइफ में वो मैं चाहती हूँ आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि आप भी मेरे साथ जुड़ गए हो तो हम साथ में ही बढ़ेंगे साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह से मैनिफेस्टेशन करते जाएंगे तो एक दिन आप भी अपने लिए डायमंड की रिंग या जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी मैनिफेस्ट कर पाएंगे तो माय डियर फ्रेंड कभी भी कुछ भी अच्छी चीज़ देखें या कुछ जो आपको पसंद आए तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए सोचिए कितना सुंदर है ये कितना अच्छा है और ये बहुत अच्छा होगा कि हमारे पास भी हो हम भी यूज़ करें कभी नेगेटिव उसके लिए बिल्कुल भी विचार आने ही नहीं चाहिए और आप खुश रहिए उस चीज़ को छोड़ दीजिए जैसे वो आपके पास है ही मतलब आप कॉन्ट्राडिक्टी स्टेटमेंट या फीलिंग अपने दिमाग में मत क्रिएट करिए वरना वो मैनिफेस्ट नहीं होती आप किसी महंगी ड्रेस को देखें तो कभी ये नहीं बोलें कि ये मैं ले नहीं सकती या ये मेरे पास है नहीं बस ये सोचिए कितनी सुंदर है और अगर ये मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता इट्स अ नाइस फीलिंग टू हैव दैट ड्रेस और दिस ड्रेस और वट एवर यू वॉन्ट जो भी चीज़ आप चाहते हो उसके लिए सिर्फ़ अच्छा ही बोलिए अच्छा ही सोचिए अच्छा ही फील कीजिए और अगर आपको उस समय कुछ और दिमाग में आ रहा है तो आप बोलिए वन डे आई विल बाय इट या ये ऑलरेडी मेरी हो गई क्योंकि मैंने देख लिया तो ये हो गई और भूल जाइए उस चीज़ को और देखिए कैसे यूनिवर्स आपके लिए इवेंट क्रिएट करेगा लोग क्रिएट करेंगे हो सकता है वो आपको गिफ्ट में ही मिल जाए जैसे मुझे ये गिफ्ट में मिल गई तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ का मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड आई एम टुडे आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी विद दिस मैनिफेस्टेशन और मेरे पास एक और स्टोरी मिल गई आपके साथ शेयर करने के लिए आई होप आपको अच्छी लगी हो और अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप टाइप कीजिए मैं उसका आंसर दूंगी और इस वीडियो के लिए इतना ही